दिखता है। तो आज की इस भट्टी में हम सबको बहुत ही खास अनुभव करने के लिए करण कराबन हार बाबा हम सब बच्चों को एकत्रित किया है। मैं बता दूं, आप सभी जो भी भाई बहने यहां बैठे हैं बहुत अच्छा अनुभव करने वाले हैं। आपने मेरी परिचय सुना कि रमेश भाई इतने हजारों गाने लिखे हैं, देश विदेश में भट्टी किए हैं। सचमुच ये करण करावन हर बाबा करा रहा है, सर्वशक्तिमान जो मैंने संकल्प में भी नहीं सोचा था कि कभी इस तरीके से प्रोग्राम होगा, लेकिन बाबा ने देश विदेशों में, भारत के अंदर, विदेश के अंदर, ब्राह्मण बच्चों के अंदर एक नई क्रांति, तपस्या की लहरें, और आप ये भट्टी सुनने के बाद आपके अंदर तपस्या करने की उमंग, उत्साह इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि पुरुषार्थ की संपूर्ण नई विधियां, नई तरीका। और ये भट्टी ब्रह्मा बाबा, जो आप पीछे फोटो देख रहे हैं, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा का, तो ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार करा के बॉम्बे में से शुरू किया 2011 से, और अब तक कंटिन्यू, जैसे हमारे सत्य प्रकाश भाई जी ने बोला, बिना थके इस महीने के अंदर अभी तक 5 भट्टियां हो चुकी है, मुंबई, गुजरात, गोवा, अभी आगरा हो रहा है, उसके बाद फिर होगी पुणे में, और उसके बाद फिर आपकी यूपी में। कहने की बात है, बाबा निरंतर उमंग उत्साह में मुझे उड़ाता हुआ सभी बच्चों को उड़ाने की ये भट्टी करा रहा है। और वो भट्टी है ट्रेनिंग, भट्टी मतलब भरपूर ट्रेनिंग। आप सभी बैठे हो, ऐसे नहीं कि मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। आज वो ट्रेनिंग करेंगे, जैसे हमारे विधायक जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने कि कुछ अच्छा लेके जाना, और ये चीज आपके जीवन में सत्य प्रसिद्ध, सत्य नहीं, हजारों से भी ज्यादा गुना आपकी जीवन में काम करने वाला है। आप पढ़ाई में सक्सेसफुल होना चाहते हो, संबंधों में, परिवार में तकलीफ है, धन की कमी है, स्वास्थ्य की कमी, संबंधों की प्रॉब्लम, प्रकृति में कोई प्रकार की प्रॉब्लम, उसके लिए आप खुद ठीक कर सकते हो, जैसे हमारे विधायक जी ने बोला। तो जोरदार अपने स्वागत के लिए एक बार तालियां बजाएं। सबसे पहले मैं बंधु की ये ट्रेनिंग चल रही है, क्या चल रही है एक बार सभी बोलो, जो 2-4 बोल रहे हैं वही करेंगे या सभी बोलेंगे, एक बार बोलो सभी। हाँ, ट्रेनिंग करने के लिए हम बैठे हो, जैसे आपने देखा होगा देश की बॉर्डर पे खड़े होते हैं आर्मी सैनिक, वो देश को पूरा संपूर्ण सुरक्षा रखते हैं, लेकिन पहले ट्रेनिंग रखते हैं। तो ऐसे आने वाली दुनिया, जो हमारी भविष्य की दुनिया, हमारी मंजरी बहन जी बार बार कह रही थी कि नई दुनिया सतयुग आएगा, और उसको लाने वाले हम बच्चे हैं। तो मैं अभी कुछ कुछ अभ्यास कराऊंगा आपको, जो आपको बहुत आनंद आने वाला है। अच्छा, मैं सबसे पहले पूछूंगा, आप सभी में से मुरली कौन कौन सुनते हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, सभी मुरली सुनते हैं। अच्छा, मुरली में सबसे पहले बाबा क्या बोलता है, क्या मीठे बच्चे, चेहरा कैसा होना चाहिए मीठे बच्चे का, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मीठे बच्चे। भाई साहब, आपको क्या पता है कितनी गर्मी लग रही है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं मीठे बच्चे। गर्मी तो ये विकारों की दुनिया में दुख की गर्मी बहुत ज्यादा है या नहीं, दुख की गर्मी में हम आत्माओं को शीतलता की, शांति की अनुभूति करनी है, इसलिए 80 साल से बाबा आके क्या बोल रहा है, बोलो ना सभी, सभी बोलो, अभी भी कोई बोल रहे मीठे बच्चे नाच रहे। देखो, अगर पहली बात मुरली को हम फॉलो कर लेंगे तो हमारी जीवन की शुरुआत, सीढ़ी की ऊंचाई, प्रगति की साधना आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं आता था, और जब से मैं मधुबन में आया हूँ 93 में, बाबा की मुरली को इतनी अच्छी तरह बार बार पढ़ाई किया, क्योंकि बाबा ने मुझे गाना लिखने के लिए प्रेरणा दी। एक बार बाबा कमरे में बैठा था,
योग कर रहा था कि मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, परमात्मा की किरणें पड़ रही है मेरे ऊपर, तो ब्रह्मा बाबा मेरे सामने आ गए। आके बोलते हैं, क्योंकि मैं रोज बाबा को पूछता था, बाबा मैं मुझे क्या करना चाहिए, तो बाबा ने बोला बच्चे गाना लिखो। मैं उड़ीसा से आया हूँ, उड़िया भाषा में तो लिखूंगा कोई समझेंगे नहीं, तो इसलिए पहला गाना लिखा हिंदी में। और तब से जो लिखता गया आज भी आप सुन रहे हो, कितना अच्छा गाना है। मैं आज सुना, बहुत दिन पहली रिकॉर्डिंग हुआ, पहली बार स्टेज पे सुना। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को बोलो ना, प्रभु से मिला है जीवन अर्पण आपने कर दिया, तभी तो इतनी धूप होते हुए यहाँ के बैठे हो। अगर प्रभु के लिए आपके जीवन नहीं होता तो आप यहाँ नहीं बैठते। कौन सी कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, कौन सी ऐसे बहुत बड़ी चीज आपको क्या मिल रहा है हलवा खाने के लिए, जो इतनी गर्मी धूप में आके फिर से भट्टी कर रहे हो। कौन सी भट्टी पता नहीं, दूसरा कोई आ जाएगा सोचेगा पता नहीं कौन सी भट्टी में बैठे हैं। इतनी गर्मी में एक तो भट्टी होती है और ये भट्टी में हम नहीं बैठेंगे बाबा। लेकिन आप दिलो जान लगन से, अपने तन मन से आप यहाँ के बैठे हो। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। सब गर्मी हो रही है, कैसे मुस्कुरा सकते हैं? ये गर्मी छोड़ो, 63 जन्म की 2500 साल की गर्मी हमें दुखी बना दिया है। लेकिन बाबा 80 साल में परमात्मा, जैसे हमारे सत्य प्रकाश भाई जी ने बोला कि धरा पर अभी अंतिम समय, भगवान जाने की तैयारी कर रहा है और सबको पता होना चाहिए बाबा आ गया आ गया आ गया, है ना? क्या बाबा आया है, भगवान आया है, खुशी हो रही है? हाँ बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी भाई साहब मत पूछो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहला ट्रेनिंग जो कल शाम तक, मैं गारंटी देता हूँ, बाबा जो कहता है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो बोलो सभी, ब्राह्मण सो बोलो, आवाज नहीं आ रही थोड़ा, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो, हमारी बहने बैठे हैं तो सुन रहे, सुनाओ भाई साहब, हम सुनते जाइए, सबको बोलना है, बोलने की बात आपके अंदर शक्तियां क्रिएट होगी। और एक बार बोलो, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, जब तक फरिश्ता नहीं बनोगे देवता नहीं बन सकते हो। तो अभी तक जितने भी ब्राह्मण बने हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, कोई फरिश्ता बना है? हाँ या ना बोलो, ब्रह्मा बा नहीं बना, ब्रह्मा बा फरिश्ता बना है ना? लेकिन बाकी सब एडवांस पार्टी में गए हैं। लेकिन एडवांस पार्टी में जो गए हैं उनका पार्ट अलग है, कैसे फरिश्ता बनेंगे। लेकिन बाबा ने मुरली में क्लियर किया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो, जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता, तो फरिश्ता बनना बोलो ना जरूरी है। देखो बार 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 हमारी मंजरी दीदी भोगने की सत्युग आएगा, सत्युग में जाएंगे कौन? देखो कितनी उम्र, उस माता ने हाथ उठाई थे, कोई भी हाथ नहीं उठाया, सत्युग में जाएंगे कौन? वाह बोलो मैं जाऊंगा भैया, ट्रेनिंग चल रही है भट्टी। आप देखना जैसे ईंट की भट्टी होती है ना, पहले कच्चा मिट्टी डालते हैं और मिट्टी डालने के बाद उसका रंग भी बदल जाता है ना, रूप भी बदल जाता है। आटे को घोल दो, उसको डाल दो, उसका रंग बदलेगा, स्वाद भी बदलेगा, टेस्ट हो जाता है ना। तो देखना ये 2 दिन के अंदर, अगर आपने संपूर्ण छोटी छोटी दीदियां ये ट्रेनिंग आपने कर ली, तो आपके जीवन में वो स्वाद शक्ति सब कुछ बदल जाएगा। तो करने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार है। करने के लिए तैयार हो? सभी आप का भाई बहुत अच्छा लगा है, बोलो करने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मेरा इतना अच्छा परिचय मिला, इतना हजार गाना लिखे, गाना हो जाए पहले। हाँ देखो जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, बाबा बाबा मेरे बोलो ना, ऐसे बोलो बाबा मेरे साथ है। हाँ तो ये गाना गाएंगे, जब मेरे बाबा मेरे साथ है लाइन आएगा, आपको भी मेरे साथ गाना है। मुस्कुराते हम सब फरिश्ते हैं, फरिश्ते बनने वाले हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं।
साँझ सवेरे मन में दे, साँझ सवेरे मन में दे प्यार की बरसात है बाबा, बाबा मेरे साथ है। हम बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है कि चौरासी जन्म का भाग्य बनाने के लिए सिर्फ कुछ समय हमारे पास है। हाथों में उसके
अभी हमने क्या सुना? अच्छा, सचमुच आपके साथ है बाबा? कौन सी बाबा? ठीक है, दुनिया में बहुत सारी बाबा निकले हैं, मना कहने की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने जितने भी दुनिया में आज तक 2500 साल द्वापर से बाबा बने, वही पवित्रता का मेंटेन करके ये कलयुग को बचा के रखा, उनके लिए एक बार तालियां, बाबा बोलता है। लेकिन ऐसे भी कई बाबा बने जिन्होंने बहुत बिगाड़ दिया, लेकिन बाबा अभी कहता है मैं वो बाबा हूं जिसका कोई शरीर नहीं है, ज्योति बिंदु श्री बाबा। आया ना, थोड़ा ध्यान से देखो पीछे क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले मैं अभी योग करके दिखाता हूँ मैंने कैसे योग करता था, अभी कैसा हमें योग करें, क्योंकि योग करने के लिए हम बैठे हैं, हमारी बुद्धि परमात्मा की तरफ लगना चाहिए, है ना, लेकिन बैठे हैं योग करने के लिए, लेकिन कैसा बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है पहले मैं करके दिखाता हूँ, अब तो ध्यान से देना। सब ध्यान से मुझे देखना, कोई योग लगाना नहीं, मेरे को देखना था। मैं लुकोटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, पैरों की अंगूठा से, हाथ की उंगलियों से सारी शक्तियों को समेट कर मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं। आप लोग योग तो नहीं लगा रहे हो ना, फिर मुझे देखना, मुस्कुरा के देखना, सीरियस हो रहे हो, क्योंकि मधुबन में देखना जब भी दादी बोलती है अरे भाई क्यों सीरियस हो रहे हो, थोड़ा मुस्कुरा के, दादी बार बार मुरली क्लास की बात बोलती है, जैसे ही बोलेगी ना दादी 3 मिनट योग करना सब ऐसे बैठ जाएंगे, अब पता नहीं कौन सा तीर चलाने वाले हैं। योग लगाना है परमात्मा आनंद का सागर, स्नेह का सागर, सुख का सागर, और चेहरा इधर इधर बिगड़ता जा रहा है, तो अभी आप मुझे लगा योग लगा रहे हो ऐसे बैठ गए, मुस्कुरा के देखा मुझे। मैं भ्रुकुटि के मध्य में चमकता हुआ दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूं, चारों तरफ शांति शांति, परम धाम में बाबा अपनी सर्वशक्तियों की किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है, अरे मैं रास्ते में आ रहा था कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, ओहो ये बड़े आजकल ना कुत्ते भौंकने लगे। अच्छा, बाबा की किरणें परम धाम से पड़ रही है, अभी यहाँ से जाने के बाद घर में खाना बनाना है, कपड़ा धुलाई करना है, दुकान के काम या ऑफिस में जाना है, मैं आत्मा हूँ, बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है, परम धाम से बाबा की सुख शांति आनंद पवित्रता की किरणें पड़ रही है। ये भाई इधर कहाँ जा रहा है, अच्छा पर्वत मानता है ना, लाला ये बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, वो माता जी देखो कितनी अच्छी तरह बैठ रही है, साउंड वाला भाई इधर उधर क्या कर, बाबा की किरणें पड़ रही है, पड़ रही है, बहुत अच्छा, ये मच्छर भी देखो काटने लगते हैं, मच्छर करो ऐसे होता है या नहीं, हाँ देखो अभी हम योग करने के लिए क्लास करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारी एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, चेहरा ऐसे घूमता है, सुन तो रहे लेकिन इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये जरूरी है। अगर तन हमारी एकाग्रता की अभ्यास नहीं कर पाएगी तो मन भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए साधु संत सन्यासियों ने जंगल में जाके ना किसी को देखना किसी को सुनना, एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने लगे थे एकाग्रता का अभ्यास, लेकिन परमात्मा की ज्ञान नहीं था जिसके कारण उनको सिद्धियां नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, जीवन नहीं मिली, जीवन मुक्ति नहीं मिली, लेकिन अभी परमात्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, दया का सागर, बोलो ना, गुणों का भंडार, सर्वशक्तिवान, थोड़ा बाबा की महिमा करो, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद, अभी पता है कैसे गाना गा रहे थे आप लोग, बाबा मेरे साथ है, तेरी माता है मुंह सुखा के पूरा बाबा मेरे साथ। एक माता जी मुझे बोलती है, एक सेंटर पर गया, एक माता जी बोलती है भाई साहब कुछ मत बोलो मुझे बहुत खुशी है, इतना प्यार आ रहा है बाबा के ऊपर, बाबा मिल गया मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना बाबा, ये रो क्यों रहे हो, बाबा ने कहा खुशी में रोते रहो, कभी बोला हाँ या ना, बोलो ना,
जब मैं पूछ रहा हूँ हाँ जी बोलना, क्योंकि भर्ती चल रही है आपको ट्रेनिंग में बोलना है, हाँ जी बोलो। फरिश्ता बनना है नहीं, आवाज नहीं, मुझे लगता है नाश्ता उत्ता करके लिए थोड़ी सी एनर्जी थी वो देखना। आप जब रूहानी जिस्मानी, हाँ जो जिस्मानी सैनिक जब ट्रेनिंग लेते जब कोई जिस्मानी आदमी ट्रेनिंग लेता है ना वो पैर कितना जोर जोर से पटकते हैं, 5-5 किलोमीटर तक सुनाई देता है। और ये हलवानी आदमी बैठे हैं हाँ जी भी नहीं बोलते, बोलो हाँ जी। और एक बार, और एक बार, बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छी बात सुनने वाले। ओम शांति। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय विधायक जी धाता जगत प्रसाद करम जी हम सबके बीच में से कार्यक्रम से विदाई ले रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप स्टेज पर आए और हम इस ब्राह्मण परिवार की रीति अनुसार उनको सब प्रेम बाबा के घर से भेंट सौगात देंगे। बाबा के घर का प्रसाद, ये आपका घर है, आप जा ले रहे हैं, जा रहे हैं फिर से बार बार आने के लिए, तो आपका इस मंच पर विदाई नहीं बधाई है, स्वागत है। आप ऐसे ही बार बार आते रहें।